वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट ये बता दीजिए कैसे हो आप सब, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग राकेश, सुनीता, प्रदीप, देव, रामजपाल, प्रीति, आवाज आ रही है बच्चे? फटाफट बता दीजिए। क्लास की शुरुआत करते हैं। ऑल क्लियर? ठीक है, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नागरिकता वाला कुछ पार्ट बचा हुआ है, इसको निपटाते हैं। और कल की क्लास से आप समझ गए होंगे कि नागरिकता वाला चैप्टर जो है दोस्तों, जब हम लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं, क्योंकि बेसबुक के तौर पर हम यूजली लक्ष्मीकांत को ही लेते हैं जो भी हम IAS या PCS की प्रिपरेशन करते हैं, तो जब हम लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ते हैं तो वहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, विशेषकर नागरिकता वाले टॉपिक में, है ना। बहुत सारी डेट्स दी गई हैं, बहुत सारे फैक्ट्स दिए गए हैं, लेकिन मैंने कल आप लोगों को वो डेट्स भी बताई और उसके बाद उनको कटवा भी दिया। क्यों? क्योंकि उनको याद रखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आपकी प्रिपरेशन के लिए। आपसे कभी भी इतना फैक्चुअल क्वेश्चन UPSC नहीं पूछेगा, ये गारंटी है। इतना अंदर जाके क्वेश्चन नहीं पूछेगा UPSC, ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ाया था, यदि आप उतने को, ये क्या हो रहा है भाई मेरे चश्मे में, एक मिनट गाइस, जितना आप लोगों को पढ़ाया है उतना यदि आप लोगों ने अच्छे से कर लिया तो फिर आपका काम बन जाएगा, आपका जो नागरिकता वाला टॉपिक है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों फटाफट जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल, फटाफट जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया एकेडमी से। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, PDF सब आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। जो PDF है वो आपको टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मिलती है। जैसे आज हमारा नागरिकता कंप्लीट हो जाएगा तो नागरिकता का PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा इसी टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। ललिता दहिया एकेडमी को जिस भी स्टूडेंट ने इंस्टॉल नहीं किया है फटाफट इंस्टॉल कर लें अपने एंड्रॉयड फ़ोन में जाके। याद रखिएगा यहाँ पे दो कोर्स चल रहे हैं, पॉलिटी विद करंट अफेयर्स फॉर IAS मेंस 2022-23-24 और IR विद करंट अफेयर्स फॉर IAS मेंस। तो आपको जिस भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हैं। फी मैंने बहुत ही मिनिमम रखी है यहाँ पे, जितनी मैं कोर्स के लेंथ के अकॉर्डिंग रख सकती थी। और कंटेंट आपको जितना भी कोई भी बेस्ट इंस्टीट्यूट उठा लो, इसके इक्विवेलेंट बेस्ट कंटेंट, बेस्ट समझाने का तरीका और एक होता है ना वे ऑफ टीचिंग, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये डंके की चोट पे कह सकती हूँ क्योंकि मैं खुद नहीं पढ़ाती नहीं हूँ, आप लोगों को सिखाती हूँ, ठीक है। तो जो भी जुड़ना चाहता है आप फटाफट जुड़ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग, बात करते हैं नागरिकता की। नागरिकता में कल हमने नागरिकता का अर्थ देखा, नागरिकता पूर्ण सदस्य होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने देखे नागरिकों को कुछ अधिकार होते हैं, कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो विदेशियों को नहीं होते, है ना। विदेशियों में भी दो प्रकार के विदेशी देखे, एक हमने देखे विदेशी मित्र जिनसे हमारे अच्छे संबंध होते हैं हमारे राष्ट्र के, और एक होते हैं विदेशी शत्रु जिनसे हमारे राष्ट्र का युद्ध चल रहा है या फिर अच्छे संबंध नहीं होते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये बताया कि भाई कौन कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, डिटेल से बताया था। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है यानी मौलिक कर्तव्य है वो केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों को कोई लेना देना नहीं होता है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया भाग दो में 5 से 11 तक है, संसद को अधिकार है नागरिकता से संबंधी कानून बनाने का, एक नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें काफी बार संशोधन किया गया है, लेकिन मोटे तौर पे उससे गाइडेड होती है सिटीजनशिप से संबंधित चीजें, ठीक। इसके अलावा काफी सारे डेट्स थी, इनको मैंने साफ साफ कटवा दिया था कि बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया कि भाई नागरिकता के अर्जन यानी नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति के अलग अलग तरीके होते हैं। नागरिकता की प्राप्ति के तरीके होते हैं, यदि आपका जन्म भारत में होता है तो नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, वंश के आधार पर हो जाएगी, पंजीकरण के आधार पर हो जाएगी, प्राकृतिक रूप से हो सकती है, और क्षेत्र यदि कोई क्षेत्र यदि समाविष्ट कर लिया है भारत सरकार द्वारा भारत के अंदर तो फिर उस क्षेत्र के लोगों को भी ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है।
जन्म से को मैं पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी थी, जो नहीं याद करने वाली चीजें थी उनको भी मैं बता चुकी थी कि इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था सॉरी, ये जो जन्म से नागरिकता है ना, इसके कुछ अपवाद है। तो अपवाद में मैंने विदेशी राजनयिक बताया था, शत्रु देश के जो दंपत्ति हैं, मतलब आए हैं घूमने और संतान हो गई, तो फिर वो भारत का नागरिक नहीं होगा और अवैध प्रवासी नहीं होंगे। वंश के आधार पर बताया कि भाई 26 जनवरी 1950 या उसके बाद कोई व्यक्ति, उसके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी यदि भारतीय हैं तो इस आधार पे, वंश के आधार पे नागरिकता मिल सकती है। पंजीकरण के आधार पे बताया कि पंजीकरण के आधार पे पहली बात तो ये बताया कि अवैध प्रवासी को किसी भी प्रकार की नागरिकता नहीं मिलेगी पंजीकरण के आधार। इसके अलावा इसकी कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं कि भाई 7 वर्ष भारत में रहना होगा, ठीक है, ये 5-6 कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी पंजीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, रिवाइज भी करा दिया, और जितना अभी पढ़ाया है ना इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये फालतू में ना डेट्स वेट्स के चक्कर में मत पढ़ना, ठीक है, बता दो फटाफट। यहाँ तक किसी भी बालक बालिका को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़े, नो दिक्कत, बहुत बढ़िया। चलो अगला तरीका क्या होता है नागरिकता प्राप्ति का, नागरिकता अर्जन का। हम जन्म देख चुके हैं, वंश देख चुके हैं, पंजीकरण देख चुके हैं। एक होता है दोस्तों प्राकृतिक रूप से ही नागरिकता मिल जाए, ऑटोमेटिकली, मतलब नेचुरल तरीके से आपको नागरिकता मिल जाए। ये कैसे मिलेगी भाई, इसके बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। पहला, केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति, पहली बात तो ये अवैध प्रवासी जो होते हैं ना इनको किसी भी तरीके से नागरिकता नहीं मिलती है भाई, अवैध, भाई अंडरस्टूड सी बात है, एग्जाम में सोचना नहीं है, वो दे दे कि अवैध प्रवासी सहित सभी व्यक्तियों को पंजीकरण और प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रोविजन किया गया है, या फिर और उलझाने के लिए दे दे तो ये दे दे कि कुछ मामलों में अवैध प्रवासियों को भी नागरिकता दी जा सकती है, तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दिमाग लगाना है तुरंत भाई, अवैध प्रवासी इतने भरे बैठे हैं, आप देखोगे बांग्लादेश से अवैध प्रवासी हैं, इधर पाकिस्तान से अवैध प्रवासी हैं, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों से। तो अगर हम इन सभी अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने लग गए तो फिर हमारा क्या होगा, ठीक है, बात सिंपल सी है, सिंपल सा फंडा है। तो अवैध प्रवासियों को ना तो पंजीकरण के आधार पर नागरिकता मिल रही थी और ना ही उनको प्राकृतिक रूप से मिलेगी, क्लियर। अगली बात, तो यदि कोई व्यक्ति प्राकृतिक रूप से वो देता है आवेदन, तो उसको प्रमाण पत्र नागरिकता का सरकार दे सकती है। उसके लिए कुछ कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। पहली बात तो एक योग्यता तो यही है कि ऐसे देश, जो व्यक्ति आवेदन दे रहा है ना, वो ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकता। सिंपल सा फंडा है, यदि आपके देश में, मान लो यदि कोई नागरिक, मान लो है पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल, अब पाकिस्तान का नागरिक है और पाकिस्तान में एक भारत, हालांकि हमको पाकिस्तान की नागरिकता चाहिए भी नहीं, मतलब पाकिस्तान का एग्जाम्पल ही नहीं लेते हैं भाई, चाइना का लेते हैं, पाकिस्तान से तो फिर भी ठीक है चाइना, ठीक है, चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो चीन का कोई व्यक्ति भारत में आके कहे कि भाई मुझे प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता चाहिए, तो भारत ये देखेगा कि भाई इस चीन के अंदर भारत के नागरिकों को प्राकृतिक रूप से नागरिकता उपलब्ध है कि नहीं। मोटा सा फंडा है, आपके देश में यदि उपलब्ध है तो हम भी उपलब्ध करा देंगे, भारतीय नागरिकों को यदि उपलब्ध है तो हम भी आपको उपलब्ध करा देंगे। पहली कंडीशन, ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीयों के लिए प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करना संभव ना हो, ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रख लेना, यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा। भाई जिस दिन मान लो आवेदन किया इस व्यक्ति ने और आवेदन करने के बाद इसको भारत की नागरिकता मिल गई, नागरिकता मिल गई, तो ये समझा जाएगा कि उसी दिन, जिस दिन नागरिकता मिली है उसी दिन इस व्यक्ति को अपने देश की नागरिकता त्यागनी पड़ेगी। क्यों त्यागनी पड़ेगी क्यों त्यागनी पड़ेगी, इसीलिए क्योंकि आर्टिकल 9 याद रखना है, आर्टिकल 9, देखो इसको ऐसे याद रखेंगे, आर्टिकल 9, समझ गए, आर्टिकल 9 है वैसे तो, आर्टिकल 9 को आर्टिकल 9 याद रखो। 9 का मतलब है दोहरी नागरिकता नहीं, या तो यहां का नागरिक होगा या यहां का नागरिक होगा, दो नागरिकता लेके आदमी नहीं घूम सकता,
ठीक है बच्चे, तो ध्यान रखिएगा सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा है। वेरी गुड गौरव, बहुत बढ़िया, तो ध्यान रखना। अगली बात, इसके लिए क्या कंडीशन है? चार कंडीशन है, इतना उलझने की जरूरत नहीं है। पहली, यदि वो भारत में रह रहा हो, भारत सरकार की सेवा में हो, इनमें से कोई कम से कम 12 महीने पूर्व भारत में रह रहा हो। चार कंडीशन को एक साथ रखना। देखो चार कंडीशन है, 14 वर्ष पूर्व, ठीक है, कुल 11 वर्ष, चरित्र अच्छा, 8वीं अनुसूची। देखो ये जो दो लाइन है ना, इसको उलझना नहीं है। देखो पहली कंडीशन ये है, उस व्यक्ति को 14 वर्ष तक भारत में, 14 वर्ष पहले से भारत में रहना होगा। पंजीकरण के मामले में ये एज की, ये समय अवधि कितनी थी? 7 वर्ष थी। लेकिन प्राकृतिक नागरिकता के मामले में कंडीशन ये है कि 14 साल से उस व्यक्ति को भारत में रहना होगा। जिस दिन वो आवेदन कर रहा है उससे पहले 14 साल से वो भारत में रह रहा है। इस 14 साल में से 11 साल वो भारत में ही रहा हो। अब कहोगे कि मैम यहाँ 14 है, यहाँ 11 है, इसका क्या मतलब है? अरे भाई 14 मतलब कि 14 साल से रह रहा हो। मान लो अभी 2022 चल रहा है, 2022 में 14 आप वहां से रह रहा हो, लेकिन 11 वर्ष तो रहा ही हो। यानी इस 3 साल में वो घूमने फिरने भी तो जाएगा, वैसा थोड़ी ना भारत से ही बंद के रहेगा। घूमने फिरने चला गया, थोड़े दिन अपने देश चला गया, ठीक है, तो वो 3 वर्ष की अवधि काउंट नहीं होती। 14 वर्ष से रह रहा हो, उस 14 वर्ष में कंटिन्यू 11 वर्ष भारत में अनिवार्य रहा हो, और जब आवेदन कर रहा है, आवेदन देने से 12 महीने पहले कंटिन्यू रह रहा हो। पीटी में कभी नहीं पूछेगा, सिर्फ आपके ज्ञान वर्धन के लिए बता रही हूँ, ठीक है। कई बच्चों को ये लगता है ना कि मैम ने इतना ईजी कैसे पढ़ा दिया नागरिकता, ऐसे थोड़ी ना होता है। सॉरी, नागरिकता में तो इतने सारे फैक्ट हैं, जब तक हम फैक्ट नहीं पढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन कैसे सही होंगे? फिर बता रही हूँ कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी प्राकृतिक रूप से ये क्राइटेरिया। और अगला क्राइटेरिया भाई, करेक्टर अच्छा होना चाहिए, बकायदा सर्टिफिकेट देना होता है, ठीक है। और भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान हो, ये 5-6 क्राइटेरिया होता है प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करने के। मेरी बात समझे, फिर से बता देती हूँ। पहली बात, अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, उस देश से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां पे भारतीयों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है। जिस दिन भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेगा अपने देश की नागरिकता छोड़ देगा। 14 वर्ष से भारत में रह रहा हो, इन 14 सालों में 11 साल वो भारत में अनिवार्य तौर पर रहा हो, और जिस दिन आवेदन किया है, आवेदन करने से कंटिन्यू 12 महीने वो भारत में रह रहा हो। यदि आप समय अवधि का वो देखोगे क्राइटेरिया, तो ये होता है चरित्र अच्छा हो और 8वीं अनुसूची में भाषा का ज्ञान, इतना सा याद रखना है प्राकृतिक रूप से नागरिकता का, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जिसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये जो काटा है ना देखना भी मत, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखा है कि आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो थोड़ा सावधान हो जाओ नागरिकता वाले टॉपिक में, ठीक है। अब अगला मुद्दा आता है दोस्तों, अगली जो प्राप्ति का क्राइटेरिया था, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। यदि भारत किसी क्षेत्र को अपने परिधि में समाविष्ट कर लेता है तो फिर क्या होगा, वहां के नागरिक ऑटोमेटिक भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित कर सकती है। ऐसे व्यक्ति उल्लिखित तारीख से भारत के नागरिक होते हैं। जैसे जब पौंडीचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता आदेश जारी किया। कुछ भी ये कभी आप रटो, मैं फिर बता रही हूँ, दुर्घटना से बचना, कभी पौंडीचेरी के लिए नागरिकता आदेश 1962, नागरिकता आदेश 1962, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। कभी नहीं पूछेगा कि नागरिकता आदेश 1962, बस इतना याद रखना है, कंसेप्ट याद रखना है बस, कि भाई यदि किसी क्षेत्र का अर्जन कर लिया भारत ने, किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला लिया, जैसे हमने सिक्किम को मिलाया, पौंडीचेरी को मिलाया, दादर नागर हवेली को स्वतंत्रता के बाद मिलाया, गोवा को मिलाया, तो ऐसे जो क्षेत्र के जो लोग होंगे वो भारत के नागरिक हो जाएंगे, और फिर अलग अलग के लिए अलग अलग नागरिकता एक्ट आएंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान, तो मुझे ये बता दो, अब जैसे कई बच्चे पढ़ेंगे असम समझौते से आच्छादित नागरिकों के लिए विशेष लगे पड़े हैं 1985, 1966, कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। मुझे अब ये बताओ, 5 क्राइटेरिया अगर कोई भी पूछे कि भाई जन्म से, पंजीकरण से, प्राकृतिक रूप से, वंश से और क्षेत्र अर्जन द्वारा,
तो इन पांचों पॉइंट में अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो मुझे कृपया करके बता। किसी भी प्रकार का डाउट है यहां तक? क्या बोल रहे हो? युवराज बोल रहे हैं, एक मिनट रुको युवराज, आपका क्वेश्चन ले लेती हूँ। बच्चे मैम, अगर पेरेंट्स में से माता वैध है जबकि दूसरा पिता अवैध प्रवासी हो तो दोनों की बेबी को नागरिकता प्राप्त कैसे होगा? अवैध रूप से रह लगभग 14 साल से रह रहे व्यक्ति को नागरिकता मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता। ध्यान रखिएगा बच्चे, अवैध प्रवासी के लिए तो सीधा सीधा मना ही है। आप 14 साल के, आप अगर 20 साल भी रह लोगे और सोचोगे कि लीगल तरीके से नागरिकता मिल जाए तो नागरिकता संबंधी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया है, वो फिर सरकार को अलग प्रोविजन करना पड़ता है। जैसे मैं आप लोगों को मीम्स में पढ़ाऊंगी CAA, NRC या फिर पाकिस्तान के जो हिंदू प्रवासी थे उनसे रिलेटेड एक एक्ट आया था, तो वो अलग अलग एक्ट लाने पड़ते हैं। अवैध प्रवासियों से रिलेटेड कोई भी इस तरीके का प्रोविजन नहीं किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अवैध प्रवासियों के लिए कोई इस तरीके का प्रोविजन किया गया है नागरिकता से संबंधित, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कराना तो अनिवार्य है ही, ठीक है। अच्छा, कल मैं एक उस पे देख रही थी, किसी बच्चे ने कमेंट पूछा था, क्या बोल रहे हो युवराज, मैम अगर पेरेंट्स में माता वैध हो जबकि दूसरा पिता वैध प्रवासी हो, इसको ना ये वैरी करता है, मतलब मेरे हिसाब से तो नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए यदि दोनों में से एक अवैध प्रवासी है, लेकिन फिर इसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपके पीटी में कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि ये फिर नागरिकता के अंदर, ये केवल इतनी नहीं है बच्चे नागरिकता, नागरिकता के ना बहुत सारे रूल्स हैं, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग समुदाय, या हम कहेंगे कि अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, तो इतने क्राइटेरियाज के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है युवराज। कल एक बच्चे ने उस पर क्वेश्चन पूछा था, जैसे मान लो हवाई जहाज में सफर कर रहा है कोई दंपत्ति और उनको संतान हो जाती है तो फिर वो कहाँ की नागरिक होगी? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आता होगा, किसी बच्चे ने उस पर पूछा था, तो इसका एक सिंपल सा रूल बना रखा है। हालांकि ये रूल हर देश में अलग अलग है, लेकिन मैक्सिमम देशों ने इस रूल को मान्यता दे रखी है। मान लो हवाई जहाज उड़ रहा है, भाई उड़ रहा है, वैसे तो 7 महीने से ज्यादा की जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको हवाई जहाज में, बैठने से, मतलब एक तरीके से गाइडलाइंस होती हैं कि भाई आपको सफर नहीं करना है, बहुत मैक्सिमम जो क्या नाम है कंपनी होती है एरोप्लेन वाली, सब में गाइडलाइंस होती है साथ, लेकिन फिर भी मान लो यदि संतान हो जाए एरोप्लेन में तो वो कहाँ का नागरिक होगा? पता है बड़ी दिलचस्प बात है, मान लीजिए ये जहाज चलता है जापान से और अमेरिका, यूएस से, मान लो यदि कोई दंपत्ति जापान से बैठा और उसे यूएस से आना है, ठीक, और उसका जहाज, अब उसको संतान हो गई जहाज में ही, तो ये देखा जाएगा कि जब ये जहाज उड़ रहा है, मान लो ये उड़ रहा है, ये क्या बना दिया मैंने, आदमी बना दिया, मान लो जहाज है, अब ये जहाज उड़ रहा है तो ये देखा जाएगा कि जब बच्चा पैदा हुआ तो एग्जैक्ट ये जो जहाज है किस लोकेशन पे था, ये मतलब किस देश के ऊपर उड़ रहा था। मान लो ये रशिया के ऊपर उड़ रहा है, ये जापान से जहाज चला और ये रशिया के ऊपर उड़ रहा है, तो ऐसे बालक को रूस की नागरिकता भी मिल सकती है, और जहां के उसके माँ बाप है, मान लो उसके माँ बाप है यूएसए के हैं, जापान घूमने गए थे, कहोगे मैम रशिया और यूएसए, मतलब कोई बात, देखो माँ बाप है यूएसए, जापान घूमने गए थे और आते आते क्या हुआ, एरोप्लेन में संतान पैदा हो गई और जो है रशिया के ऊपर हो गई, मतलब जब ये देखा जाता है कि जब बच्चा पैदा हुआ तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हो कि एक दंपत्ति ऑस्ट्रेलिया से चला, ऑस्ट्रेलिया से जाना था यूके, इंग्लैंड जा रहा था भाई, अब भारत में पड़ गई, भारत बीच में है भारत की सीमा, अब इस जहाज में एक महिला को संतान पैदा हो गई और जब ये संतान पैदा हुई तो ये जहाज ठीक भारत से ऊपर था, ये कैलकुलेट किया जाता है बकायदा, ठीक है। तो इस बच्चे को भारत की नागरिकता भी मिल सकती है और इसके माँ बाप है मान लो ऑस्ट्रेलिया के, तो ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता भी मिल सकती है। तो अब ये इसके माँ बाप पे डिपेंड करेगा कि कहाँ की नागरिकता वो दिलाना चाहते हैं, समझ गए।
नहीं सुना नहीं, ऐसा है भाई, काफी सारे केसेस आते हैं, ठीक है। अब बात सही है ना भाई, एरोप्लेन में बच्चा हुआ तो कहाँ का नागरिक होगा वो? तो माँ बाप जिस देश के हैं वहां का भी, और जहां पे उसने, मतलब जिस देश की सीमा के ऊपर उसने जन्म लिया, तो अगर वो बच्चा चाहे तो वहां का नागरिक भी बन सकता है, ठीक है। कोई बात, लग गया ना पता, अब पीटी में नहीं पूछेगा, जस्ट नॉलेज के लिए बता दिया। कभी अगर न्यूज में आ जाए, मान लो अगर ऐसा कुछ न्यूज में ही आ जाए, तो भले ही पीटी में भी पूछ ले, ठीक है। तो चलो अब अगला है जी, नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी? तो नागरिकता अधिनियम 1955, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार नागरिकता खोने के 3 कारण होते हैं। एक तो त्यागना, एक तो आदमी ना स्वेच्छा से त्याग दे कि भाई ऐसा है, हमको मिल गई यूएसए की नागरिकता, या हमको मिल गई कनाडा की नागरिकता, अब हम भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। मतलब उस व्यक्ति ने स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग दी। एक तो त्यागने के माध्यम से नागरिकता चली जाएगी। एक बर्खास्तगी के, बर्खास्तगी का मतलब क्या होता है कि यदि एक व्यक्ति 2 जगह की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, मान लो यूएसए की भी प्राप्त कर ली और भारत का भी नागरिक है, और भारत सरकार को पता लग गया, तो आर्टिकल 9 लागू हो जाएगा, यानी सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा है भारत में, तो भारत सरकार उसको बर्खास्त कर देगी कि भाई ऐसा है, आप जाओ यूएसए ही जाओ, ठीक है, हमको आपकी कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। अगला होता है वंचित करना, इनको एक्सप्लेन करके अभी हम देखते हैं। तो स्वैच्छिक त्याग का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु क्षमता का हो, ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता, अपनी नागरिकता को त्याग सकता है, ठीक। मतलब वही एग्जाम्पल है कि यदि यूएसए, कैनेडा या किसी भी अन्य देश की नागरिकता मिल गई उसको, तो वो भारत की नागरिकता त्याग सकता है, इसके माध्यम से नागरिकता से वंचित हो सकता है। दूसरा ये याद रखना है कि इस तरीके की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो, तो केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को एक तरफा रख सकती है। मान लो भारत युद्ध में व्यस्त है और ये पंजीकरण दे रहा है कि भाई मेरे को नागरिकता त्यागनी है, तो फिर इसके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है। भाई ऑटोमेटिक सी बात है ना, युद्ध में युद्ध लड़ेगी कि इन सब कामों में अधिकारी बिजी होंगे, ठीक है। कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता है, यद्यपि 18 वर्ष होने पे भारतीय नागरिक बन सकता है। भाई सिंपल सी बात है, यदि 2 लोग हैं, 2 दंपत्ति हैं, मतलब दंपत्ति तो एक ही होता है, मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, उनको किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त हो गई, इनके 2 नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे मान लो 18 वर्ष से कम के हैं, और यदि इन माँ बाप की नागरिकता खत्म हो गई, समझो इस बात को, इन माँ बाप को यदि इंग्लैंड की नागरिकता मिल गई और भारत की नागरिकता खत्म हो गई, तो इनके नाबालिग बच्चों का क्या होगा? तो इनके नाबालिग बच्चे भी ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, माँ बाप के साथ ही तो जाएंगे। यहाँ पे एक अन्य कंडीशन आती है कि यदि 18 वर्ष है, भाई बुढ़ापे में यदि किसी को नागरिकता प्राप्त हुई किसी अन्य देश की, और इसका एक बेटा या बेटी जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, तो फिर, और ये बच्चा रहना चाहता है भारत में ही, तो फिर ऐसी कंडीशन में प्रार्थना पत्र देके ये बच्चा भारत का नागरिक बन सकता है। बाप रे बाप, माथा पकड़ लिया अपना, क्या क्या रूल्स, इतने रूल्स हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आप बेसिक रूल्स पढ़ रहे हो, इसमें भी बाल की खाल, छोटे छोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इतनी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। समझे मेरी बात, स्वैच्छिक त्याग के द्वारा त्याग सकते हैं नागरिकता, इसमें बस 2 फंडे हैं कि यदि बच्चे नाबालिग हैं तो नाबालिग भी ऑटोमेटिक तौर पे भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, यदि उनके माँ बाप भारत के नागरिक नहीं रहते हैं तो, समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, भाई नाबालिग बच्चे भी नागरिक नहीं रहेंगे यदि माँ बाप नागरिक नहीं रहते हैं तो, यदि बच्चा 18 वर्ष से ऊपर का है और वो इंग्लैंड नहीं जाना चाहता है, तो वो प्रार्थना पत्र दे सकता है कि देखो मेरा जन्म भारत में ही हुआ है, मेरे को माँ बाप के साथ नहीं जाना, मेरे को भारत की नागरिकता ही रखनी है, तो ऐसी कंडीशन में वो भारत का नागरिक रह सकता है, ठीक है। क्या बोल रहे हो? अभी आ रही हूँ आनंद आपके क्वेश्चन पे, स्वैच्छिक त्याग समझ में आ गया, अब आनंद का क्वेश्चन है, ये वही आनंद है जो कल रशिया गया था, है ना। और आनंद क्या हालचाल है, आ गए रशिया से, ठीक है, कोई बात नहीं। आनंद कह रहा है, मैम महिला किसी दूसरे व्यक्ति, किसी दूसरे देश के व्यक्ति से शादी करने पर महिला की नागरिकता और बच्चे की नागरिकता कहाँ की मिलेगी, जैसे सानिया मिर्जा? अरे भाई क्यों उलझते हो, सानिया मिर्जा भारत की नागरिक है,
किसी दूसरे देश के नागरिक से यदि उन्होंने विवाह किया तो ये डिपेंड करता है ना, वो अपने देश की नागरिकता को छोड़ना चाहती है कि नहीं। यदि वो छोड़ना नहीं चाहती अपने देश की नागरिकता को, तो आप जबरदस्ती नहीं छुड़वा सकते, है ना। तो ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपने किसी दूसरे देश के पुरुष से विवाह कर लिया तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। और रही बात उनके बच्चे की, तो उनके बच्चे का जन्म यदि भारत में हुआ और यदि वो अपने बच्चे को भारत की नागरिकता देना चाहती है तो बिल्कुल दे सकती है। पुरुष महिला इस नजर से समान है, ये नहीं है कि पुरुष के लिए अलग कानून है नागरिकता का और महिला के लिए अलग कानून है, ऐसा कुछ नहीं है। पुरुष और महिला के लिए बराबर कानून है। मान लीजिए इसी केस में आप महिला की क्यों बात कर रहे हैं, इसी केस में पुरुष भी तो हो सकता है ना। एक पुरुष यदि किसी दूसरे देश की महिला से शादी करता है तो उस पुरुष की नागरिकता चली जाएगी क्या, बताओ मेरी बात को आनंद महोदय। महिला और पुरुष नागरिकता के संबंध में विभेद नहीं करता है। ये नहीं है कि अच्छा महिला हो गई पराए घर की, ये वाला एंगल नागरिकता पे एंगल लागू नहीं होता कि लड़कियां तो पराया धन होती है, अब चली गई मतलब शादी हो गई तो जाएंगी दूसरे देश में। तो ऐसा रूल भारत में महिलाओं पे लागू नहीं है, महिला पुरुष दोनों बराबर है। आप इस एंगल से सोचिए, यदि सानिया मिर्जा की जगह कोई पुरुष होता और यदि कोई विदेशी महिला से शादी कर रहा होता तो क्या उसकी सिटीजनशिप के ऊपर आप सवाल उठाते, नहीं उठाते ना। तो अपनी अवधारणा बदलो, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है, समझ गए। चलो अब बहुत क्वेश्चन है पूछने के लिए। पूर्ण आयु क्षमता का मतलब क्या होता है, जब वो अपना डिसीजन ले सके। जैसे भारत में पूर्ण आयु क्षमता का मतलब होता है बच्चे 18 वर्ष या उससे ऊपर का व्यक्ति, भाई 18 वर्ष या उससे ऊपर का व्यक्ति अपना निर्णय ले सकता है ना, मतलब जब तक वो व्यस्क ना हो जाए। पूर्ण आयु क्षमता का मतलब ये होता है युवराज, समझ गए बच्चे, ठीक है। अब बर्खास्तगी समझ गए, स्वैच्छिक त्याग। बर्खास्तगी में कुछ नहीं है, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाती है। हालांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होती जब भारत युद्ध में व्यस्त हो, कोई जरूरत नहीं है, इतना आप समझ गए। अब जैसे युद्ध से हटेगा और किसी दूसरे व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर रखी है तो स्वयं बर्खास्त हो जाएगा, सिंपल सी बात। क्यों बर्खास्त हो जाएगा, आर्टिकल 9, आर्टिकल 9, इस 9 को 9 से याद रखना, तब आप याद रखोगे। 9 मतलब दोहरी नागरिकता नहीं, इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा है भारत में। अगला तरीका होता है दोस्तों नागरिकता समाप्ति का, वंचित करने पे। ये वंचित कैसे किया जा सकता है, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त कब करना होगा, या तो उस व्यक्ति ने नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की है, भाई पहले नागरिकता प्राप्त कर ली और बाद में ये पता लग जाए कि भाई इसने तो गलत तरीकों का यूज किया है, जो भी इसने अपने प्रमाण पत्र वगैरह दिए हैं वो फर्जी हैं, तो तुरंत नागरिकता से क्या हो जाएगा, वंचित हो जाएगा। फिर इफ एंड बट नहीं होगा कि अब तो नागरिकता दे दी रहम कर लो ना, आपने फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त की है तो आपको वंचित किया जा सकता है नागरिकता से। दूसरा, यदि नागरिक के संविधान, भाई यदि कोई नागरिक है संविधान के प्रति अनादर जताता है तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता को आप क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, वंचित कर सकते हो भारत की नागरिकता से। यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान, सिंपल सी बात है, शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो, मान लो हमारा पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है और किसी व्यक्ति ने राष्ट्र विरोधी गतिविधि में संलिप्त हुआ हो और राष्ट्र की सूचना दे दी हो किसको, मतलब कुछ खुफिया सूचना दे दी हो पाकिस्तान को, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या हो सकता है, नागरिकता जा सकती है। मेरी बात समझे, यानी कि मोटे तौर पे आपको 3 चीजें समझनी है, नागरिकता कैसे कैसे जाएगी, या तो व्यक्ति खुद त्याग दे, खुद नहीं त्यागता है तो बर्खास्त हो जाएगा, कि भाई दो देशों की नागरिकता मिल गई तो भारत की नागरिकता से बर्खास्त कर देंगे। तीसरा होता है वंचित, वंचित कब किया जाएगा, या तो फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त की हो, या फिर भारत का नागरिक है संविधान के प्रति अनादर करता है, ठीक है, ऐसा कोई बड़ा कांड कर देता है जो संविधान के बिल्कुल विपरीत है, या फिर युद्ध की कंडीशन में विदेशी जो शत्रु देश है उससे जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो शेयर करता है, ठीक है। मुझे अब
हाँ, एक अगला क्राइटेरिया और होता है वंचित करने का। मान लो यदि किसी व्यक्ति ने पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की थी या प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त की थी, 5 के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी अन्य देश में 2 वर्ष की कैद हो गई हो, मतलब 5 वर्ष हुआ है उसको, 5 वर्ष के दौरान 2 वर्ष की कैद हो गई हो किसी अन्य देश में, तो ऐसे व्यक्ति को भी वंचित कर दिया जाएगा नागरिकता से। ठीक है। और अगला है, यदि कोई भारत सामान्य रूप से भारत 7 वर्ष भारत से बाहर ही रह रहा है, आया ही नहीं, भारत से गया, 7 वर्ष से भारत से बाहर रह रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो मोटे तौर पे आप वंचित होने के 5-6 क्राइटेरिया समझ गए। ठीक है, बता दो फटाफट, फिर आती हूँ एकल नागरिकता पे। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी एनआरआई, कई बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है एनआरआई क्या है जी, पीआईओ क्या है, ओसीआई क्या है, कुछ नहीं, अभी बताऊंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फंडा, अभी आएंगे उस पर। मुझे यहां तक क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे मैम, जब कोई खुफिया जानकारी दे देता है तो उसे कहाँ के नागरिक मिलेगा? अब हमारे देश से तो नागरिक गया वो, उसके बाद वो भाड़ में जाए क्या फर्क पड़ता है ना, जो अपने देश का ही नहीं हुआ तो फिर वो कहाँ का होगा भाई। हम जिस देश में पैदा हुए हैं, जिस देश ने हमको अपने विकास के इतने अवसर दिए हैं, हमें गर्व होना चाहिए ना अपने देश पे, या फिर हम अपने देश की खुफिया जानकारी को, मतलब देश को संकट में डालेंगे तो फिर हम नागरिक रहने के लायक ही नहीं है। भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है, फिर क्या पता वो विदेशी शत्रु ही उसको नागरिकता दे दे या ना दे, भटके, तो हमें कोई मतलब नहीं रहता उससे। ठीक है बच्चे, क्या बोल रहे मैम, कोई नागरिकता त्यागना चाहता बट देश में युद्ध हो रहा है तो नागरिकता समाप्त नहीं होगा, मतलब नागरिकता थोड़ा डिले हो जाएगा, इतना ही होगा ना, वो ऑलरेडी अमेरिका में रह रहा है, मान लो ऑलरेडी यूके में रह रहा है, उसको यूके की नागरिकता मिल गई और वो भारत की नागरिकता त्यागना चाहता है, उस समय युद्ध चल रहा है, तो थोड़ा डिले हो जाएगा, चली तो जाएगी ही उसकी नागरिकता। ये सिर्फ ना रूल्स होते हैं कि भाई ऐसी कंडीशन है तो थोड़ा आपका डिले हो जाएगा प्रोसेस, सिंपल सी बात है, इतना उलझने की जरूरत नहीं है। चीजों को जितना आसान बना के पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा, पढ़ो समझो निकलो, और जो फालतू की चीजें हैं उनको काटो। याद रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी की प्रिपरेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है क्या पढ़ना है से ज्यादा जरूरी होता है क्या छोड़ना है, क्योंकि आप लोगों के पास इतना मटेरियल होता है, दुनिया भर की किताबें अलमारियों में भरी पड़ी हैं, धूल जमी पड़ी हैं, किताबें चीख पुकार कर रही हैं, हाय रे कहाँ फंस गए, कृपया करके थोड़ी सफाई तो कर दो, धूल वूल तो झाड़ दो, ऐसी तो कंडीशन रहती है हमारी। तो कम पढ़ो, सशक्त तरीके से पढ़ो, बार बार पढ़ो, और जो नहीं पढ़ रहा है उसको पटाख से काटो, दिमाग मत लगाओ फिर ये तारीखों में। ठीक है, क्या बोल रहे हो सोनू मैम, देश में शांति फैल रही है बहुत, आज धारा 144 लग रही है राजस्थान में। यार राजस्थान के जो वो कल घटना हुई है उसे सामान्य इंसान नहीं कर सकता, वो एक आतंकवादी घटना है बेसिकली, उसे एक आतंकवादी घटना कहेंगे आप। धर्म के नाम पे यार किसी व्यक्ति का सर कलम कर रहे हो, ये पहली बात, तो अगर आप इस्लाम के जानकार हो तो इस्लाम इस बात की आपको आजादी नहीं देता, और दूसरी बात, इसे सामान्य कृत्य नहीं है, ये आतंकवादी कृत्य है, और ये मेरा पर्सनल व्यू है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में, ये नहीं है कि 10 साल उनको फ्री का खाना दोगे जेलों में, यार बहुत खतरनाक टाइप के लोग हैं वो, उनका वीडियो देखा, मतलब आप किसी को मार के इस तरीके का वीडियो बना रहे हो और देश के प्रधानमंत्री को आप धमकी दे रहे हो, तो आप लोगों से, ऐसे लोगों से जो थे कल, इनको 10 साल फ्री का खाना खिलाओगे क्या जेल में? इनको तो जितना फास्ट ट्रैक हो सके ना, 10 दिन में फांसी दो यार इनको, तब जाके एक डिटरेंट पैदा होता है, तब जाके दूसरे लोगों को लगता है कि नहीं हमको ऐसा नहीं करना है ना। और रही बात, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी, एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी, देखो धर्म के आधार पे ना कभी आपको इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए यार। आप इतना लॉजिकल आपको पढ़ने लिखने के बाद होना चाहिए। मान लो, पहली बात तो हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं कि आप एक दूसरे के धार्मिक जो प्रतिनिधित्व होते हैं,
जैसे आप ईश्वर, अल्लाह, जीसस या फिर और भी अलग अलग जो धर्म के सर्वोच्च कर्ता धर्ता होते हैं, आप उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। ऐसे कानून हैं हमारे देश में। यदि आप बोलते हो तो आपको अलग अलग धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसमें आर्टिकल, जिसमें धारा 153 है, 295 है, इनके तहत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। अच्छी खासी आपको सजा दे मिल सकती है और संदिग्ध अपराध माने जाते हैं। पहली बात तो आपको बोलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, यदि कोई बोलता है तो फिर सब पे समान रूल लागू होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया तो उसे आप जेल में नहीं डाल रहे, उसे संरक्षण दे रहे हो, ये भी गलत है। बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ कि यदि नुपुर शर्मा ने ऐसा बोला है तो फिर उनके ऊपर भी धाराएं लगनी चाहिए, उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए। और यदि किसी दूसरा, यदि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति हिंदू धर्म के बारे में ऐसा बोलता है तो उसके ऊपर भी धारा लगनी चाहिए, उसे भी गिरफ्तार करना चाहिए। फिर रूल सबके लिए, आर्टिकल 14। देखो, हम यहाँ पे इमोशनल नहीं चलेंगे, हमें संविधान के अनुसार जब भी आपके इंटरव्यू में ये बातें झलकनी चाहिए, है ना, आपकी थॉट प्रोसेस में ये बातें आनी चाहिए कि भाई रूल सबके लिए इक्वल है। यदि आप जुबेर को धारा 153 और 295 के तहत गिरफ्तार कर रहे हो, ठीक है, कर लिया आपने, करना चाहिए जो भी है, तो आपको दूसरे व्यक्ति को भी करना चाहिए। फिर यहाँ पे वो बात नहीं आती कि ना ना इसको तो हम संरक्षण देंगे, इसको गिरफ्तार करेंगे। यहाँ पे फिर रूल ऑफ लॉ पे बात खड़ी होती है। और दूसरी बात, ये तो हुई कानून की बात, और दूसरी बात ये होती है कि हमको इतना लॉजिकल होना चाहिए पढ़ने लिखने के बाद कि मान लो यदि किसी बदतमीज टाइप के व्यक्ति ने, मतलब किसी मूर्ख टाइप के व्यक्ति ने अल्लाह को कुछ बोल दिया या ईश्वर को कुछ बोल दिया। अरे ईश्वर तो सर्वोच्च है, अल्लाह तो सर्वोच्च है, मतलब लॉजिकल ही सोच लो, किसी के बोलने से उनको कुछ, वो छोटे हो गए क्या? तो हमको इस लॉजिक तक भी सोचना पड़ेगा। ठीक है यार, उसने बोला बोल दिया, बात खत्म करो, इतना उपद्रव मचाने की क्या जरूरत है, हाय तोबा मचाने की क्या जरूरत है? तो इस पॉइंट पे भी हमको लॉजिकल होके सोचना पड़ेगा। हालांकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सोसाइटी है, ये फेजेस आते हैं, हर समाज में ये फेजेस आते हैं, ठीक है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़े फेज आएंगे, फिर आज से 5 साल बाद अलग फेज आएगा, फिर अलग फेज आएगा, इसी तरीके से समाज का विकास होता आया है और इसी तरीके से होता आएगा। ये सब चीजें चलती रहती हैं समाज में, इतना हाय तोबा मचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कल का कृत्य हुआ वो बिल्कुल आतंकवादी घटना है। ऐसे लोगों को 10 दिन के अंदर फांसी होनी चाहिए यदि इस देश में शांति चाहिए तो। और एक अगली बात, यहाँ पे मैंने 3-4 चीजें बोली हैं, अगर किसी ने नोट किया हो तो, संविधान सबके लिए समान है, वो एच के लिए, हिंदू के लिए भी समान है, वो मुस्लिम के लिए भी समान है, वो सिख के लिए भी समान है, वो ईसाई के लिए भी समान है, ठीक है। और दूसरी बात, तार्किक सोचना है, किसी के कहने से ईश्वर या अल्लाह छोटा नहीं हो जाएगा, तार्किक सोचना है। और तीसरी बात, आतंकवादी घटना है, जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए इन दोनों को, मतलब जल्दी से जल्दी निपटा दो। ऐसे लोग समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक होते हैं, समाज के लिए बहुत बड़ा धब्बा होते हैं, समाज को अच्छी सीख नहीं दे पाते, हमेशा नकारात्मक काम ही करेंगे। तो निपटा दो यार, ऐसे लोगों की समाज को कोई जरूरत ही नहीं है, निपटाओ इनको फटाफट कानूनी तरीके से। कैसे? कानूनी तरीके से। भीड़ का न्याय नहीं चलेगा भारत में, लोकतंत्र है विश्व का सबसे बड़ा, कानूनी तरीके से, फास्ट ट्रैक के माध्यम से जल्दी से इनको सजा सुनाओ। और अगली बात यह है दोस्तों, हमको पॉजिटिव होके रहना है, हमको पॉजिटिव सोच के चलना है। 2-4 लोगों के कृत्यों से पूरे वर्ग को इस नजर से नहीं देखना है, ये हमारा भी दायित्व है ना। चलो कोई बात, आगे बढ़े। युवराज कितनी फिक्र कर रहा है मेरी। कोई बात नहीं यार, मैंने हर बात को लीगल तरीके से रखा है और मुझे पता है मुझे क्या बोलना होता है। बच्चे ध्यान रख लेना, भावनाओं में बह के कभी कुछ बोलना नहीं चाहिए। लीगल तरीके से यदि आप बोलते हो, संवैधानिक तरीके से यदि आप अपनी बात रखते हो, तो आपको संविधान भी इस बात की आजादी देता है और हम इस देश के नागरिक हैं जहां पे हमको अपनी भावनाओं को, अपने भावों को संवैधानिक तरीके से व्यक्त करने का पूरा अधिकार है ना। तो मैंने कोई इलीगल बात नहीं की, मैंने सब लीगल बात की है, लीगल बेस पे बात की है, संवैधानिक प्रावधानों के ऊपर बात की, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नागरिकता की, समझ गए नागरिकता। अब बात करते हैं दोस्तों एकल नागरिकता, क्या है एकल नागरिकता।
यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है, हमको पता है भारतीय संविधान क्या है, संघीय है, और संघीय का मतलब क्या होता है आपको तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन, यानी कि यदि हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में एक व्यक्ति केंद्र का भी नागरिक होता है और राज्य का भी नागरिक होता है ना, ठीक है, केंद्र का भी नागरिक होगा और राज्य का भी नागरिक होगा, लेकिन भारत में भले ही संघीय व्यवस्था है लेकिन केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी भारतीय नागरिकता। हम हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र के नागरिक नहीं है, हम भारत के नागरिक हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगली बात, राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है, कोई अलग नागरिकता की व्यवस्था नहीं है राज्यों के लिए, केवल एक नागरिकता दी गई है और वो है इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता। अन्य संघीय राज्यों जैसे अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिक व्यवस्था को अपनाया गया है, ये हमको पता ही है कि अमेरिका में और स्विट्जरलैंड में यहाँ पे दोहरी नागरिकता आपको देखने को मिलेगी। अब एकल नागरिकता क्या है, सिंपल सा है भाई, सभी भारतीयों को चाहे उसका जन्म कहीं पे भी हुआ हो, निवास कहीं हो, पूरे देश में समान नागरिक अधिकार मिलेंगे। आपको पता है ना कि भाई एक इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो किसी व्यक्ति का जन्म हुआ बिहार में, ठीक, या मान लो किसी व्यक्ति का जन्म हुआ यूपी में, वो यूपी में ही निवास करता है लेकिन उसको पूरे देश में समान नागरिक अधिकार मिलेंगे। यदि वो व्यक्ति यूपी से निकल के बंबई में बसना चाहता है, तमिलनाडु में बसना चाहता है, केरल में बसना चाहता है, आंध्र प्रदेश में बसना चाहता है, जमीन खरीदना चाहता है, तो जाके आराम से बस सकता है, रह सकता है, उसको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि वो केवल यूपी का नागरिक नहीं है, वो पूरे देश का नागरिक है, और उस व्यक्ति को देश का नागरिक होने के नाते समान नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे हर जगह। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, उसके बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता, हालांकि भेदभाव रहित इस व्यवस्था के कुछ अपवाद हैं, अपवाद तो मैं बताऊंगी आपको। इतना आपको याद रहेगा कि भाई सिंगल सिटीजनशिप है और समान एकल नागरिकता का मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म या निवास स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, उसको पूरे देश में समान नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे एक अपवाद है आर्टिकल 16 के तहत ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि राज्य विशेष में रहने संसद ऐसी व्यवस्था कर सकती है। आर्टिकल 16 आपने अपवाद पढ़े हैं ना आर्टिकल 16 के, कि संसद ऐसे प्रावधान कर सकती है जिससे उस क्षेत्र के लोगों को ही नौकरी मिलेगी, आरक्षण का प्रोविजन कर सकती है, तो यहाँ पे एक अपवाद आपको दिख गया। दूसरा, ध्यान रखिएगा, यह सुविधा उस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र के साथ स्थानीय अन्य प्रशासन की कोई जरूरत नहीं है, संसद ने इसी संबंध में एक रोजगार अधिनियम बनाया था, ये अब मेरे ख्याल से केवल आंध्र प्रदेश में लागू है, ये आर्टिकल 16(4) आप समझ गए। अगली बात है आर्टिकल 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आधार पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, निवास के आधार पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ अपवाद होते हैं, जैसे आप शैक्षणिक शुल्क में छूट दे सकते हो अपने राज्य के नागरिकों को, मतलब अपने राज्य के लोगों को, नागरिक तो राज्य के होते ही नहीं है, अपने राज्य के लोगों को शैक्षणिक छूट दे सकते हो, या फिर कुछ कोर एरिया होते हैं जैसे आएगा यहाँ पे, जैसे निवास और घूमने की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के तहत, कि आप निवास कर सकते हो, घूम सकते हो, आर्टिकल 19 जब आप जाओगे, भ्रमण की स्वतंत्रता है, निवास की स्वतंत्रता है, लेकिन इसके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी हैं, जैसे जनजातियों के हित में आपको रोका जा सकता है, दूसरे शब्दों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश और निवास प्रतिबंधित है। जैसे मान लो यदि आप घूमना फिरना चाहते हो, आप गोवा जा रहे हो, कश्मीर जा रहे हो, आप शिमला जा रहे हो, आप नॉर्थ ईस्ट के काफी राज्यों में जो जहां पे आप घूम सकते हो जा रहे हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन जो कुछ कोर एरिया बने होते हैं, जैसे आप कहो कि मैं तो अंडमान निकोबार जाऊंगा और इस जनजाति के जहाँ पे ये जनजाति रहती है ना, यहीं पे प्लॉट खरीदूंगा, यहीं पे रहूंगा, मेरे को भी जनजातीय कल्चर पसंद है, तो आपको रोक दिया जाएगा। जनजातियों के कल्चर की सुरक्षा के लिए, जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए आपको रोका जा सकता है, तो ऐसे कुछ अपवाद हैं। आपको भ्रमण करने से भी रोका जा सकता है इन क्षेत्रों में, इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट के कई रीजन में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में नहीं, कई क्षेत्रों में कोर एरियाज बना रखे हैं जहां पे पर्यटकों को भी जाने की आजादी नहीं है, आपको घूमने की आजादी भी नहीं होती,
अंडमान्स में कई सारे ऐसे एरियाज मिलेंगे जिसकी परिधि के अंदर आपको नहीं जाना है, आप अंडमान जा सकते हो लेकिन वहां पे कई छोटे छोटे एरियाज घोषित कर रखे हैं जहां पे विदेशी विदेशी नहीं भारतीय पर्यटकों को भी घूमने की आजादी नहीं होती है। तो ये बात समझ रहे हो आप, यानी मोटे तौर पे एक नागरिक होने के नाते आपको बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, समान अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ विभेद, कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं या अपवाद होते हैं। जैसे आर्टिकल 16 देख लिया भाई, संसद प्रोविजन कर सकती है राज्यों के लोगों के हित में कुछ कानून बना दे नौकरियों के संरक्षण के लिए, राज्य के लोगों को शुल्क में थोड़ी कम शुल्क देना हो ऐसी व्यवस्था हो सकती है, या आपको घूमने फिरने बसने की आजादी है, इसके कुछ अपवाद है कि भाई आप जनजातीय क्षेत्रों में नहीं बस सकते, प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया है? ताकि जो जनजातियां हैं उनकी संस्कृति की रक्षा हो सके, उनकी भाषा की रक्षा हो सके, उनके रिवाजों की रक्षा हो सके। ठीक है, और शोषण के विरुद्ध सुरक्षा कवच के तौर पे ये काम करता है। कई सारे केसेस आपने आज से 5-10 साल पहले देखे होंगे, अंडमान्स में एक जनजाति है, शायद जारवास ही है, अब उनके अपने कल्चर है, अब पर्यटक वहां पे जाते थे, देखते थे और टीज करते थे, मतलब एक तरीके से शोषण भी करते थे, ऐसे कुछ मामले आए थे। तो फिर और स्ट्रिक्ट हो गया कि नहीं, आपको इन एरियाज में जाना ही अलाउड नहीं है। तो मेरी बात समझे आप, थम्स अप दे दो फटाफट। ठंडी चाय भाई, बताओ फटाफट, समझ में आया? ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं, 2019 तक जम्मू कश्मीर की विधायिका, कोई जरूरत नहीं है जम्मू कश्मीर में अब, क्योंकि 370 हट चुका है। ठीक है, ध्यान रखना, 370 हट चुका है, कोई जरूरत नहीं है इसको याद करने की। भारत सरकार ने विदेश हाँ, अब यहाँ पे हम 2-3 चीजें देखेंगे। तो आज की क्लास में जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है दोस्तों, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को एक आग्रह कर रही हूँ कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है केवल उतना ही पढ़ना। जैसे हमने अर्जन में प्राकृतिक देख लिया, समाप्ति देख ली, इसके बाद एकल नागरिकता की अवधारणा समझा दी और इसके अपवाद भी समझा दिए कि एकल नागरिकता है, पूरे देश में समान अधिकार है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे आप जनजातीय क्षेत्रों में नहीं जा सकते, प्रवेश नहीं कर सकते, घर नहीं खरीद सकते। ठीक है, या आर्टिकल 16 में जो संसद प्रोविजन करती है वो इसका अपवाद है। ये जम्मू कश्मीर वाला आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं 2000 में क्या हुआ था। विदेश मंत्रालय ने भारतीय डायस्पोरा, अब बात आएंगी जो NRI वगैरह होते हैं ना, भारतीय डायस्पोरा पे एक LM सिंघवी की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी और नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने की सिफारिश की ताकि भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान किया जाए की जा सके, लेकिन कुछ विशेष देश के रहने वाले लोगों के लिए। ये LM सिंघवी समिति आई, ये वही LM सिंघवी समिति है, इसी की सिफारिशों से, ये जो हमारे प्रवासी सम्मेलन वगैरह होते हैं ना, NRIs को हम बुलाते हैं ताकि प्रवासियों के जो एक्सपीरियंस है विदेशों में उसका फायदा भारत के लोगों को हो सके, फंडिंग हो सके, भारत के राष्ट्रीय उत्थान में जो भारत के लोग अलग अलग देशों में बैठे हुए हैं वो अपना सहयोग कर सके, तो इससे दोहरा फायदा होता है। इससे भारत को भी फायदा होगा जब वो लोग हेल्प करेंगे भारतीय लोगों की या भारत के विकास में अपनी, और उन लोगों को भी फायदा होगा कि भाई भारतीय होने का कर्ज अदा कर रहे हैं वो, समझ रहे हो। तो ये LM सिंघवी समिति ने कहा भारत सरकार को कि भाई ये जो 1935 का आपका नागरिकता अधिनियम है ना, इसमें आपको कुछ संशोधन करना चाहिए, और जो भारतीय मूल के व्यक्ति अलग अलग देशों में रह रहे हैं ना, उनको दोहरी नागरिकता टाइप कुछ प्रदान करना चाहिए आप, लेकिन ये सभी देशों के नागरिकों को नहीं प्रदान करना चाहिए। मान लो अगर कोई भारत का नागरिक बांग्लादेश में रह रहा है, पाकिस्तान में रह रहा है, तो फिर आपको मतलब ये क्राइटेरिया है कुछ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के लिए ये सुविधाएं अवेलेबल नहीं होती है, या जो शत्रु देश है उनके लिए सुविधाएं अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन सामान्यतः जो भारतीय विश्व के अलग अलग कोनों में अलग अलग देशों में रह रहे हैं उनके लिए आप कुछ अन्यत्र सुविधाएं दे सकते हो। दोहरी नागरिकता तो पूरी तरीके से दे नहीं सकते, क्यों नहीं दे सकते भाई? आर्टिकल सुबह से बता रही हूं, बता दो फटाफट, दोहरी नागरिकता क्यों नहीं दे सकते?
बहुत बढ़िया, आर्टिकल 9, तो दोहरी नागरिकता जैसा कुछ दे सकते हो, कंप्लीट दोहरी नागरिकता नहीं लेकिन उनको कुछ अतिरिक्त फायदे दे सकते हो, एल एम सिंघवी ने ऐसा कहा। और उसके बाद संशोधन हुआ 2003 में और 2005 में ओसीआई, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आपको बस ये देखना है, जैसे आप देखोगे कि 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी नागरिकता प्रदान करने, जैसे इसके अपवाद थे पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो भारत के नागरिक रह रहे हैं ना, मतलब जो भारत से गए हैं, जो डायस्पोरा है भाई, पाकिस्तान और बांग्लादेश किससे बने हैं, भारत से ही बने हैं, तो फिर भारत के सब तो सभी नागरिक फिर ओसीआई और पीआईओ का एक तरीके से दावा करने लगते हैं। मेरी बात समझे आप, भारत ये पाकिस्तान को और बांग्लादेश को हमने क्यों, ये पीआईओ की तो अवधारणा ही नहीं रही, अभी मैं समझाऊंगी, ओसीआई समझो, ओसीआई कार्ड क्यों नहीं दिया कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश तो भारत से ही निकले हैं, तो ये तो सारे ही लोग दावा करने लगेंगे, वैसे भी तबाही मची हुई है पाकिस्तान में, तो मतलब कब कहां क्या हो जाए कुछ नहीं पता होता है ना, तो अब वो तो चाहेंगे ही कि भाई हम एक शांति प्रिय देश में चले, अब तो पछता रहे होंगे कई लोग कि विश्व का शांति प्रिय देश तो भारत ही है, ठीक है, तो सभी दावा करने लगते। मेरा लॉजिक समझे, मेरा नहीं सरकार का लॉजिक समझे आपकी, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए ऐसे प्रोविजंस नहीं है, ठीक है, जब तक कि उनके गृह देश स्थानीय कानूनों के अनुसार, मतलब ये यही बात कर रहा है 2005 में ऐसे प्रोविजन करने के लिए बात की गई, ये जो ओसीआई आता है ना, ओवरसीज ऑफ इंडियन सिटीजन, ये अभी बताऊंगी इन तीनों की अवधारणा, ये 2005 में ये अवधारणा आई। और ये ओसीआई को ना भारत सरकार ने काफी सारे अधिकार दिए कि आप बिना वीजा के भारत आ सकते हो, ठीक है, आप कितनी भी बार आ जा सकते हो, आपको और भी बहुत सारे अधिकार होंगे यहाँ पे, ठीक है, कभी डिटेल में इनके अधिकार बता दूंगी, कभी पूछेगा नहीं, न्यूज में आएंगे तो अलग बात, ठीक है। जैसे 2015 में फिर फाइनली क्या किया, देखो दो कार्ड होल्डर होते थे, मैं एक बार ये समझा ही देती हूँ आपको, उसके बाद इस पे आऊंगी। देखो तीन चीजें होती हैं, एक होते हैं अप्रवासी भारतीय, इन तीनों का डिफरेंस समझ लो एक बार, एक होते हैं एनआरआई अप्रवासी भारतीय नॉन रेजिडेंट इंडियन, एक होते हैं पीआईओ पब्लिक ऑफ इंडियन ओरिजिन, और एक होते हैं ओसीआई, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि 2015 से पहले, कैसे याद रखोगे, 2015 से पहले ये पीआईओ कार्ड अलग होता था और ओसीआई कार्ड अलग होता था, और पीआईओ की तुलना में इन ओसीआई वालों को ज्यादा अधिकार होते थे, तो इन पीआईओ वालों की ये मांग हुआ करती थी कि भाई हमें भी ओसीआई कार्ड दिया जाए, हमें भी ओसीआई कार्ड दिया जाए। तो 2015 में ये स्यापा ही खत्म कर दिया गया, और क्या किया गया, ओसीआई प्लस पीआईओ को मर्ज कर दिया गया, यानी पीआईओ को खत्म कर दिया गया, और अब केवल एक कार्ड दिया जाता है, उस कार्ड का नाम होता है ओसीआई। इतनी बात समझे, मतलब अभी मैंने डेफिनेशन नहीं बताई तीनों की, केवल इतना कंसेप्ट बताया कि पहले पीआईओ होते थे, ओसीआई होते थे, इनके अलग अलग क्राइटेरिया होते थे, ओसीआई को हमेशा ज्यादा अधिकार होते थे, तो पीआईओ की डिमांड होती थी कि भाई हमें भी उतने अधिकार दो, तो 2015 में पीआईओ और ओसीआई को मर्ज कर दिया गया। वर्तमान समय में पीआईओ कार्ड की कोई अवधारणा नहीं है, वर्तमान समय में केवल एक कार्ड दिया जाता है, वो होता है ओसीआई कार्ड। इतना समझ में आया, एक एक करके समझेंगे। आ गया, ठीक, अब बात करते हैं एक एक करके ये होते क्या है। एनआरआई, एनआरआई भारतीय नागरिक होते हैं, मतलब इनके पास भारतीय पास वो होता है, पासपोर्ट होता है, जो साधारण भारत में निवास करते हैं, जिनके इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, ये विदेशों में गए हैं काम करने के लिए, कमाने के लिए, लेकिन नागरिक नहीं हुए हैं विदेशों के। मेरी बात समझे, आपके इर्द गिर्द बहुत लोग गए होंगे, कई मिडल ईस्ट में गए होंगे, अमेरिका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में, तो ये लोग पैसा कमाने, अपना रोजगार रोजी रोटी के लिए गए हैं, आते रहते हैं और काम करके आ जाएंगे, इन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण नहीं की अभी, ये होते हैं एनआरआई, पहली बात। दूसरी कंडीशन क्या होती है दोस्तों, अब मान लो मैं चली जाऊं 10 दिन के लिए यूएसए घूमने, क्या कितनी बढ़िया बात है ना, 10 दिन के लिए मैं चली जाऊं यूएसए घूमने,
तो क्या मैं एनआरआई हो जाऊंगी क्या? तो याद रखना, मैं एनआरआई नहीं होऊंगी। एनआरआई के लिए एक टाइम पीरियड का क्राइटेरिया होता है कि कम से कम 183 दिन, 143 डेज, या मोटा मोटा आप मान सकते हो कि लगभग 6 महीने से वो भारत से बाहर है। तो ऐसे व्यक्ति को 183 या उससे अधिक समय के लिए यदि कोई व्यक्ति विदेश में जाता है तो फिर उसे हम एनआरआई कहेंगे। 10-20-30 दिन के लिए कोई घूमने फिरने जा रहा है ना, वर्ल्ड टूर पे जा रहा है, तो फिर उसे हम एनआरआई नहीं कहेंगे। मेरी बात समझ गए? एनआरआई का मतलब क्या होता है कि भारतीय व्यक्ति जो रोजी रोटी के लिए दूसरे देशों में जाता है, आता रहता है, पैसे भेजता रहता है, ठीक है, भारतीय पासपोर्ट होता है उस व्यक्ति के पास, भारतीय नागरिकता होती है, किसी अन्य देश की नागरिकता अभी तक ग्रहण नहीं की है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी भारतीय नागरिक है लेकिन भारत में नहीं रहते, अलग अलग देशों में रहते हैं। मुझे ये बताओ, एनआरआई में किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत आई? समझ गए एनआरआई क्या होते हैं? और ये जो एनआरआई होते हैं ना, क्योंकि ये भारतीय नागरिक होते हैं, अब लॉजिक नहीं, रटना नहीं है, एनआरआई को सभी अधिकार होते हैं, एनआरआई को सभी अधिकार होते हैं, रटना नहीं है, समझना है। अरे भाई, भारतीय पासपोर्ट है उस व्यक्ति के पास, भारतीय नागरिकता है उस व्यक्ति के पास, तो उसको सभी वो अधिकार प्राप्त होंगे जो एक भारतीय नागरिक को प्राप्त होते हैं। अंडरस्टूड सी बात है ना, क्योंकि वो भारतीय नागरिक है, उन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण नहीं की है, तो जो जो अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त होंगे वो सारे अधिकार इनको भी प्राप्त होंगे। समझ में आ गया? बुझे? अब बात करते हैं ओसीआई और पीआईओ की। पीआईओ में क्या होता था, एक व्यक्ति जिसका पूर्वज भारतीय नागरिक और वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता राष्ट्रीय, मतलब इसी तरीके का क्राइटेरिया होता था कि एक व्यक्ति है जो विदेश का नागरिक है। मान लो हम यूएसए का एग्जांपल लेते हैं, यूएसए का नागरिक है लेकिन उसके दादा परदादा वगैरह भारत के नागरिक होते थे, तो उसको ओसीआई कार्ड, ये पीआईओ कार्ड दे दिया जाता था, उसको कुछ एक्स्ट्रा अधिकार दे दिए जाते थे विदेशियों से। अब जैसे दो कैटेगरी हो गई, इसको ऐसे समझो, ये एक व्यक्ति है यूएसए का ही नागरिक है, मतलब यूएसए में ही जन्मा, वहीं पे पैदा हुआ, ये मिस्टर माइकल, ठीक है, मिस्टर माइकल को समझ गए आप, ये वहीं का है, इसका कोई नाता नहीं है, इसके बाप दादा परदादा नाना नानी कोई नाता नहीं है भारत से, ये अमेरिका का ही है। एक दूसरा है, इसका नाम क्या रखें, ये देखने में कुछ भारतीय लग रहा है, इसका नाम रख देते हैं चिंटू, ठीक है। अब ये जो चिंटू महोदय है, ये चिंटू महोदय का जन्म तो यूएसए में ही हुआ और ये चिंटू महोदय यूएसए का ही नागरिक है, ये चिंटू महोदय यूएसए का ही नागरिक है, लेकिन इस चिंटू के दादा दादी जो है ये भारत के नागरिक रहे हैं, मतलब इसका वंश यदि हम देखें, इसका एक संबंध है भारत से। तो ये बताओ, इस माइकल को और इस चिंटू को एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए क्या भारत में? भाई हम इस माइकल की तुलना में इस चिंटू को ज्यादा अधिकार देंगे ना, कभी भी आए जाए, उसके अपने बाप दादाओं का देश है, मेरी बात समझे। यही है ओसीआई, और केवल आने जाने नहीं, बहुत सारे अधिकार दिए हैं, उनको मैं बताऊंगी। मोटे तौर पे आप ये कार्ड देने की बात को समझे कि ये कार्ड क्यों दिया हमने, ताकि जो भारतीय मूल के लोग हैं तो वो विदेशी, भाई विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं तो विदेशी नागरिकता उनके पास, लेकिन भारतीय मूल के लोग हैं, ताकि ऐसे लोग अपने देश में स्वच्छंद तरीके से, मतलब स्वतंत्र तरीके से आ जा सके, देश के कल्याण में, देश के उत्थान में अपना योगदान दे सके, इसलिए ये पीआईओ और ओसीआई की अवधारणा आई थी, ठीक है। अब अगली बात, पीआईओ को खत्म कर दिया गया है, अब आते हैं ये ओसीआई। ओसीआई वही होते हैं, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर हो, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत। इसमें कुछ रूल्स होते हैं कि भाई 26 जनवरी 1950, तीन कंडीशन होती है ओसीआई की, कि 26 जनवरी 1950 को इस ओसीआई, मतलब इस जिसको हमने कार्ड दिया है, इस व्यक्ति के दादा दादी नाना नानी माँ बाप भारत के नागरिक हो, पहली बात, या 26 जनवरी 1950 को इसके दादा दादी नाना नानी माँ बाप भारत के नागरिक होने के योग्य हो, नागरिक नहीं थे लेकिन योग्य थे नागरिक होने के, ठीक है। ये दो तीन चीजें याद रखनी है, ऐसे लोगों को ओसीआई कार्ड दिया जा सकता है, और इन ओसीआई कार्ड को हम
देने में पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को काउंट नहीं करते, हम इन दो देशों के लोगों को ओसीआई कार्ड नहीं देंगे। अब हमने दे दिया चिंटू त्यागी जी को, चिंटू त्यागी नहीं, चिंटू जो भी है महोदय जी को ओसीआई कार्ड। अब क्या फायदा होगा इस ओसीआई कार्ड का, तो मुझे अभी बताऊंगी क्या क्या फायदे होंगे, लेकिन मुझे अभी तक ये बताओ जो इतने कंफ्यूज रहते हो ना एनआरआई क्या है, पीआईओ को तो भूल जाओ, पीआईओ अब खत्म हो चुका है, अब केवल ओसीआई कार्ड दिया जाता है। ओसीआई कुछ नहीं है, कार्ड है, मतलब ये एक कार्ड है कि भाई ये आपको हमने ओसीआई का दर्जा दे दिया, अब आपको इस ओसीआई कार्ड के तहत ही बहुत सारी सुविधाएं हम दे देंगे, और वो सुविधाएं क्या होंगी वो मैं आपको बता दूंगी। तो मुझे यहां तक बता दो किसी भी बच्चे को, किसी भी प्रकार की दिक्कत, पापा की परी एंड अम्मी की काम वाली क्या क्या नाम रखते हो भाई, मम्मी की काम, मम्मियां ज्यादा काम करवाती हैं, कोई बात, लेकिन लड़कियां ज्यादा अटैचमेंट रखती हैं अपने पापा से, इसमें कोई शक नहीं है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ओसीआई की, 5 मिनट का टॉपिक बचा है, कुछ है नहीं इस टॉपिक में, यहां तक मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब जैसे देखो भारतीय विदेशी नागरिकता ओवरसीज इंडियंस ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर के नाम से एक नई योजना शुरू की गई, जिसमें पीआईओ कार्ड स्कीम तथा ओसीआई कार्ड स्कीम को मिला लिया गया है, समझ गए, यानी पीआईओ प्लस ओसीआई को मर्ज कर दिया गया और अब एक कार्ड दिया जाता है, उसका नाम है ओसीआई कार्ड। पीआईओ स्कीम को हमें जरूरत ही नहीं है पीआईओ स्कीम की, क्यों, पीआईओ स्कीम तो खत्म ही हो गई है ना, नागरिकता 2015 में भारतीय नागरिक को बदलकर विदेशी कार्ड मतलब ओवरसीज और मुख्य अधिनियम। मुझे बताओ इन दोनों स्लाइड में कुछ दिक्कत है, कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है पीआईओ अलग होते थे ओसीआई अलग होते थे, 2015 में पीआईओ ओसीआई को मर्ज कर दिया गया, अब पीआईओ की कोई अवधारणा नहीं है, अब ओसीआई कार्ड होल्डर बोला जाता है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इनको क्या क्या, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को क्या क्या अधिकार प्राप्त होंगे, यानी ओसीआई कार्ड देने का फायदा क्या होगा। तो पहली बात तो एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे जैसा केंद्र सरकार अलग अलग समय पे अधिकारों की सूची जारी करती है बकायदा, कि भाई आपको ये फलाने अधिकार दे देंगे, ये अधिकार दे देंगे, तो केंद्र सरकार बार बार एक सूची जारी करती है, ठीक है। ओसीआई को क्या क्या अधिकार होंगे विदेशियों की तुलना में, सोचो माइकल अगर भारत में आए और चिंटू यदि भारत में आए तो दोनों के भारत की एंट्री पे ही भेदभाव शुरू हो जाता है, माइकल को पूरी प्रोसेस करवानी पड़ेगी माइग्रेशन और ये सब, ये जो एयरपोर्ट पे बहुत समय लग जाएगा, लेकिन चिंटू अपना ओसीआई कार्ड दिखाएगा कि ये लो जी ओसीआई कार्ड है मेरे पास, तो चिंटू की वहीं से आसानी शुरू हो जाएगी, उसको बहुत कम समय में एक तरीके से पूरी प्रक्रिया करके एयरपोर्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा, मतलब जाने दे दिया जाएगा, यहीं से शुरू हो जाता है। अब और क्या क्या अधिकार है ओसीआई को, पहली बात तो क्या अधिकार नहीं है। अब जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि भाई ओसीआई के मामले में तो दोहरी नागरिकता है, बोल देते हैं कई लोग, तो वो ये भूल जाते हैं कि दोहरी नागरिकता नहीं है, दोहरी नागरिकता जैसा है। यदि कंप्लीट दोहरी नागरिकता होती भारतीय और ओसीआई को, तो ओसीआई को वो सारे अधिकार प्राप्त होते जो कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, भाई सिंपल सी बात है ना। यदि दोहरी नागरिकता होती तो भारतीय नागरिक और ओसीआई नागरिक दोनों को समान अधिकार प्राप्त होते, तो इसलिए याद रखना दोहरी नागरिकता नहीं है, दोहरी नागरिकता जैसा कुछ बोल सकते हो, ओसीआई को कुछ कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं और बहुत सारे अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। समझे, अभी बताया था यार चिंटू अमेरिका वाला, मतलब स्टोरी घड़ी थी ताकि आप समझ जाए। यार कमेंट सेक्शन ना मैं उतना ही देखती हूँ जहां मुझे बच्चों के कुछ वाजिब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना, बाकी तो आप लोगों की वार्ताएं चलती रहती हैं, क्या हम भी क्या कर सकते हैं, है ना, समझ गए मेरी बात को। अब अगला है उसको कुछ कुछ अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, जैसे सार्वजनिक रोजगार की में अवसर की समता नहीं होगी, अब वो कहेगी कि मैं भी जो है ना कॉन्स्टेबल का एग्जाम दूंगा मैं भी दरोगा का एग्जाम दूंगा, ओसीआई आके कहे, हालांकि ओसीआई को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे
सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समता नहीं होगी ओसीआई को। दूसरा, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए अहर्य नहीं होगा। पहली बात, राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता, उपराष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं चुना जा सकता, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं चुना जा सकता, मतदाता के रूप में पंजीकृत वोट नहीं डाल सकता ओसीआई। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि इस ओसीआई के पास नागरिकता किसी अन्य देश की है। तो भाई जब नागरिकता किसी अन्य देश की है तो भारत में मतदान नहीं कर सकता ये, लेकिन एनआरआई कर सकता है। क्यों कर सकता है एनआरआई? तुरंत दिमाग में आया, क्योंकि एनआरआई भारत का नागरिक होता है। भले ही वो कमाने के लिए दूसरे देश में गया, लेकिन उसे सारे अधिकार प्राप्त होंगे जो कि भारतीय नागरिक को प्राप्त होते हैं। अगला, ये लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता, और राज्य विधानसभा विधान परिषद या सार्वजनिक जो सेवाएं हैं, सार्वजनिक जो पद हैं, उनको प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे बोल रहे हैं ना, सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति आदि अहर्य नहीं होगा जब तक कि ऐसी सेवाओं पदों के लिए केंद्र सरकार, मान लो केंद्र सरकार कोई निर्देश दे दे तो अलग बात है, लेकिन जब तक निर्देश ना दे तो वो किसी सार्वजनिक सेवा के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। तो ओसीआई को क्या क्या अधिकार प्राप्त नहीं होंगे और क्यों नहीं होंगे, समझ गए? क्योंकि ओसीआई विदेशी नागरिक है, उसको तो अपने पूर्वजों या फिर इस एवज में कार्ड के तहत कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं, कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं, सभी सुविधाएं नहीं दी जा रही। तो मोटे तौर पे आप समझ गए, वोट नहीं दे सकता, राष्ट्रपति मतलब सार्वजनिक पद नहीं प्राप्त कर सकता, चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता। सिंपल सी बात, थम्स अप दे दो फटाफट अगर समझ गए तो। मैं सिर्फ छोटी सी बात के लिए समझा रही हूँ, कृपया करके थोड़ा सा कंसंट्रेशन से पढ़ लिया करो, ठीक है? बता दो, बिल्कुल अच्छे से। अब बात करते हैं, यदि कोई विदेशी नागरिक कार्ड होल्डर प्रपत्र से परिचय, कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अब हमें ये देखना है कि ये जो ओसीआई कार्ड है ना, ऐसा नहीं है कि यदि हमने ओसीआई कार्ड एक व्यक्ति को दे दिया तो इस ओसीआई कार्ड को हम हमेशा बरकरार रखेंगे। इस ओसीआई कार्ड को भी समाप्त किया जा सकता है, वही सारे क्राइटेरिया होंगे। यदि हमें ये लगे कि इस ओसीआई कार्ड होल्डर ने धोखाधड़ी, असत्य सत्यों को छुपा के ये कार्ड प्राप्त किया था, जैसे 2021 में एक घटना आई थी, मैं नाम भूल रही हूँ, एक व्यक्ति थे, उनको ना भारत सरकार ने ओसीआई कार्ड दिया हुआ था इस आधार पे कि उनके माता पिता में से एक कोई भारतीय है, वो किसी दूसरे देश का था, लेकिन बाद में पता लगा कि उस व्यक्ति के जो पिता थे ना, वो पाकिस्तान से थे। उस व्यक्ति के पिता जो पाकिस्तान से थे, तो फिर क्या किया सरकार ने, इसके ओसीआई कार्ड को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि आपने गलत जानकारी दी थी। हमारे ओसीआई कार्ड के लिए तो पहला ही दो क्राइटेरिया है कि भाई पाकिस्तान या बांग्लादेश से आपका संबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इन्होंने ये जानकारी छुपाई थी, इसलिए इनका ओसीआई कार्ड रद्द कर दिया था, ठीक? तो पहली बात तो धोखाधड़ी के आधार पे यदि आपने ओसीआई कार्ड लिया है तो आपका कार्ड रद्द हो सकता है। दूसरा, यदि आप संविधान के प्रति अनिष्ठा व्यक्त करते हैं तो आपका कार्ड रद्द किया जा सकता है। तीसरा, यदि आप किसी युद्ध जिसमें भारत संलग्न है, किसी शत्रु के साथ मिले हुए हो, ठीक है, या गैर कानूनी तरीके से संपर्क करते हो, तो भी आपका कार्ड रद्द किया जा सकता है। और सेम वही बात कि यदि आपको 5 वर्षों के अंदर 2 वर्षों की कैद हुई है तो भी आपका कार्ड रद्द किया जा सकता है। ये नहीं है कि एक बार कार्ड मिल गया तो बल्ले बल्ले। और इन ओसीआई कार्ड होल्डर को बहुत सारी स्वतंत्रताएं होती हैं, जैसे भारत में कभी भी आ जा सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, जब मन करेगा आ जाएंगे घूमने के लिए, वीजा की जरूरत नहीं होती है भारत में आने के लिए। या आप जैसे संस्मारकों में जाते हो, जैसे मैं आगरा में रहती हूँ तो ताजमहल, आप भारतीय जाते हो तो 100 रुपए की टिकट होती है, यदि कोई विदेशी आता है तो 1000 रुपए की टिकट होती है। अब एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत डिफरेंस होता है भारत और विदेशी में। लेकिन ये जो ओसीआई कार्ड होल्डर है ना, इनको भारतीयों के इक्विवेलेंट ही पैसे देने होते हैं। ऐसे कई सारे अधिकार होते हैं ओसीआई को, तो इसलिए ओसीआई कार्ड प्राप्त करना जो भारतीय मूल के लोग हैं विदेशों में बैठे, उनके लिए गर्व की बात होती है, क्योंकि ओसीआई कार्ड यदि उनको मिल जाता है तो भारत में उनको बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं जो कि सामान्य विदेशियों को नहीं मिलते, है ना? तो मुझे ये बताओ, एनआरआई, ओसीआई, ओसीआई को क्या क्या प्राप्त नहीं होंगे, ओसीआई कार्ड को कैसे कैसे खत्म किया जा सकता है, ठीक है, और ओसीआई को क्या क्या मोटे मोटे अधिकार प्राप्त होंगे, ये पूरा फंडा क्लियर हुआ आप लोगों को?
क्या बोल रहे हो, जिन प्रियंकड़ा क्या बोल रहे हो, प्रियंका चोपड़ा ने की तो है शादी, क्या उसकी नागरिकता समाप्त हो गई इंडिया से? यार शादी करने का मतलब इंडिया से नागरिकता समाप्त करना नहीं होता ना, आप आ जा रहे हो इंडिया में, और दूसरी बात है कि उन्होंने अप्लाई नहीं किया। यदि वो यूएसए की नागरिकता ले लेंगी, अभी तक उन्होंने यूएसए की नागरिकता नहीं ली है, यदि वो यूएसए की नागरिकता ले लेंगी तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे अक्षय कुमार का मुद्दा आया था बीच में, अक्षय कुमार भारतीय नागरिक नहीं है, अक्षय कुमार ने कनाडा की नागरिकता ले रखी है, तो सिंपल सी बात है, जब कनाडा की नागरिकता ले रखी है तो भारत की नागरिकता नहीं रहेगी। भाई सिंपल सा फंडा है ना, आर्टिकल 9 आर्टिकल 9 यानी सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा है, आप केवल एक देश के नागरिक हो सकते हो, यदि आप किसी अन्य देश के नागरिक हो गए तो भारत के नहीं रहोगे, ठीक है। अब जैसे गुरमीत बोल रही हैं, मैम सोनिया गांधी ओसीआई है या इंडियन? भाई इंडियन है यार, अपनी पूरी जवानी यहाँ खपा दी, बुढ़ापा यहाँ खपा रही है। अब मान लो किसी, अब सोचा करो, यदि किसी इंडियन से शादी करके कोई फॉरनर भारत में आती है, भारत की संस्कृति, भारत में बसती है, ठीक है, तो फिर उसको हम ओसीआई क्यों मानेंगे? वो इंडियन सिटीजन हो जाती है, याद रखिएगा, बिल्कुल भारतीय नागरिक, ठीक है बच्चे। यदि भारत में रह रहे यूएसए मूल के लोग के लिए भी कुछ ऐसा कार्ड हो सकता है? नहीं, यूएसए मूल के लोगों के लिए हम ओसीआई कार्ड क्यों देंगे? ओसीआई का मतलब ही यह है कि विदेशी भारतीय नागरिक, मतलब ऐसे नागरिक जो विदेशी नागरिक हैं लेकिन उनका भारत से नाता रहा है, उनका, उनके माता पिता का, दादा दादी, नाना नानी, तो इस नाते हम उनको कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं देते हैं विदेशियों से आगे, मतलब विदेशियों की तुलना में उनको ज्यादा अधिकार हम देते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हो, प्रियांशी कह रही है कितने क्वेश्चन रहते हैं, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें भर भर के क्वेश्चन रहते हैं। क्या मैम प्रियंका के बेबी को ओसीआई कार्ड मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? और अभी तो उनकी माँ भारत की नागरिक है, तो क्या पता प्रियंकल को, निक जोनस जो है, भारत के नागरिक बन जाए प्रियंका चोपड़ा के बेसिस पे, तो बेटी कहाँ की नागरिक बनेगी फिर? भारत कुछ भी हो सकता है ना, इसके अलग अलग रूल्स है बच्चे, इतना जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब फटाफट देख लेते हैं, आर्टिकल 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता का प्रोविजन था, ये वही बात है, कुछ लोग पहले पाकिस्तान गए फिर भारत आए, उनके लिए नागरिकता का प्रोविजन। 7 भी इसी तरीके से है, 8 भी, आपको 9 याद रखना है, पहली बात आर्टिकल 9 याद रखना है, सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा। 10 याद रखना है, नागरिक अधिकारों की निरंतरता, यानी जो भारतीय नागरिक है उनको नागरिक अधिकार मिलते रहेंगे। और आर्टिकल 11 याद रखना है कि नागरिकता से संबंधित यदि किसी विषय पे कानून बनाना है तो केवल संसद बना सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं बनाएगा। समझ में आया? अब 2 मिनट सुन लो बस, नागरिकता पढ़ा, नागरिकता में हमने देखा नागरिक क्या होते हैं, विदेशी शत्रु विदेशी मित्र क्या होते हैं, ठीक है, फिर क्या क्या अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं ये देखा, कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, कहाँ कहाँ वर्णन है नागरिकता का ये देखा, 1955 का अधिनियम देखा, नागरिकता प्राप्त होने के 5 तरीके होते हैं, जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिक और क्षेत्र अर्जन, इसको डिटेल से देखा। इसके अलावा नागरिकता समाप्त होने के 3 तरीके होते हैं दोस्तों, त्याग के माध्यम से, बर्खास्तगी के माध्यम से, या फिर वंचित करने के माध्यम से, इनको डिटेल से देखा। एकल नागरिकता की अवधारणा को समझा, और ये समझा कि एकल नागरिकता में नागरिकों को पूरे अधिकार दिए जाते हैं लेकिन उसके कुछ अपवाद हैं, जिसमें हमने आर्टिकल 16 देखा जिसमें कुछ विभेद किए जा सकते हैं राज्य के नागरिकों और दूसरे राज्य के नागरिकों में, अपवाद है वो, और लोगों को भ्रमण करने बसने से कुछ क्षेत्रों में रोका जा सकता है, जैसे जनजातीय क्षेत्र वगैरह है। इसके बाद हमने देखा, ये पूरा डिटेल से देखा, और जो कटवाया है ना उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, वो इसलिए केवल लिख दिया गया है ताकि आप लक्ष्मीकांत जब पढ़ें तो रिलेट करें कि हमें कुछ चुनिंदा चीज ही पढ़नी है इस टॉपिक से, ठीक है। इसके बाद मैंने देखा एलएम सिंघवी समिति बताई, इसने बताया कि भाई ऐसे कुछ कार्ड होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया 3 चीजों में डिफरेंस, एनआरआई क्या होते हैं, पीआईओ क्या होते हैं, ओसीआई क्या होते हैं। फिर मैंने आपको बताया पीआईओ की अवधारणा ही खत्म हो गई है, क्यों? क्योंकि 2015 में पीआईओ और ओसीआई को मर्ज कर दिया और अब हम केवल ओसीआई कार्ड देते हैं। तो मोटे तौर पे आपको एनआरआई समझ में आ गया कौन होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, ओसीआई समझ में आ गया, ओसीआई को बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं और ओसीआई को बहुत सारे अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, तो ये देख लिया क्या क्या प्राप्त नहीं होते हैं, क्या क्या होते हैं,
यहाँ पे हम एक बात समझ गए कि दोहरी नागरिकता नहीं कह सकते हम ओसीआई को। दोहरी नागरिकता का मतलब तो होगा भाई हमारे इक्विवेलेंट अधिकार प्राप्त होंगे। इसे हम कह सकते हैं कि दोहरी नागरिकता जैसा, यानी हम उनको कुछ अतिरिक्त अधिकार दे रहे हैं, ठीक है, ये हमने देखा। और फाइनली हमने देखा ओसीआई कार्ड एक बार दे दिया तो ये नहीं है कि वो हमेशा रहेगा, उसको रद्द भी किया जा सकता है। और लास्ट में मैंने आर्टिकल बताया, तो मुझे ये बता दो क्या नाम है नागरिकता, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट? ठीक है, अब आप लोगों को रिवीजन करना है। पीडीएफ आपको शाम तक मिल जाएगी, कहाँ पे? ललिता दहिया एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप है अपना, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। मेरे ग्रुप का नाम है ललिता दहिया एकेडमी, टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। मेरी सारी क्लासेस के लिंक टाइमिंग नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाएगा। ललिता दहिया एकेडमी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए फटाफट। जिस भी बैच कोर्स में आपको एडमिशन लेना है आप ले सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास भी आपको अवेलेबल होंगी और लाइव क्लासेस भी अवेलेबल होंगी। एक साल तक आप कितनी भी बार क्लासेस सुन सकते हैं, समझ के पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।